गुड मॉर्निंग एवरी वन, हरे कृष्णा। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं आज कहाँ जा रहे हो? डिग्गी। डिग्गी एक जगह है जहाँ पर ना बड़ा मंदिर है और वहाँ पर प्रोग्राम भी है, तो हम जा रहे हैं डिग्गी। ठीक है, तो रेडी होके मिलते हैं। अब हम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, घर वाले और मुझे पहले कर देते हैं एज यूजुअल। जैसे पता नहीं मैं ही लेट करूँगी इन लोगों को, तो पता है मैं सबसे पहले रेडियो के बैठ जाती हूँ। तो भाई अब हम ना जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। पहले बैठ जाओ, मेरी सीट एरी में हमेशा आगे बैठती हूँ। मम्मी आ गई, स्वाति आ रही है, पता नहीं क्या खाती खाती आ रही। क्या खा रही है? दिखा, बैठो भाई। अरे कुछ ही बोल लो, लग जोरदार रही है। सही में मुझे बहुत सुंदर लग रही है तू। साथ ही यही सुंदर। ने स्टॉपेज लिया सारी दर्दी का। क्या करी? स्टार्ट हो गई। जाते जाते हमने लिया एक मिनी ब्रेक, वी कैन से, फॉर हैविंग सम वाटर एंड ऑल। मन इसलिए लग जा रहा है क्योंकि मौसम देखो, आप मेरे पीछे आप काले बादल देख सकते हो, तो जो है मौसम बहुत ही अमेजिंग है। मैम आप बाहर आ जाओ एक बार, बाहर आकर तो देखो कितना अच्छा मौसम है। आ रही हूँ। मिनी ब्रेक जो था हमारा वो खत्म होता है और हम वापस हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वापस रोड ट्रिप की। भाई गाइस जल्दी बैठो, ये तो धीरे धीरे सब चलता है हमारे। दिखाना क्या ये? आप रख लो, दिखा तो दो क्या है ये। दिखा मिला, देखो भाई ये तोड़ के लेकर आया। कौन लेके आई? मैं लाया हूँ, रखो इसे संभाल। पता नहीं कौन सी बात है, मम्मी स्टार्ट हो गई है, रुक ही नहीं रही है। क्या हुआ था साथी? ब्रेक लगाता था। अरे यार ऐसे ब्रेक लगाया, मेरे दिमाग खींच गया भाई। ये क्या था? मैसे खींच गया दिमाग की, एक ब्रेक लगाया उसमें उसके दिमाग की नसें खिंच गई। देखे क्या था? कुछ तो आप देख रहे होंगे कि हम ज्यादातर रोड ट्रिप्स पे क्यों जाते हैं, है ना। ये कमेंट भी आया था मेरे पास, तो मैं उसका जवाब ही देना चाहती हूँ कि मेरे पापा ज़्यादातर क्या है, मतलब कार से हमें ले जाना प्रेफर करते हैं। मतलब इनका बस नहीं चले, मैं बोलूँ पापा यूएस जाना है या लंदन जाना है, सिंगापुर, इनका बस नहीं चले, करो चलो कार में बैठ के चले। तो ये कार से भी ले जाने के लिए तैयार है। अगर वहाँ पे रोड का वे होता ना तो ये ज़रूर हमें कार से ले जाते, भले 10 दिन लग जाए पहुँचने में। आप सच बता रही हो, आप कार से ले जाओ हमें। मतलब इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर होता है ना ट्रेन ना कुछ, कार से चले। कार बैगों को ले लेके घूम फिरो। हाँ बस इनको ये है कि कहाँ बैग लेके घूमोगे, क्या ये वो, जितना भरना है ना, जितने गाड़ी में जगह ना, होटल में रुकते हैं वहाँ से झगड़ा चालू जाता है। ये बड़ी मतलब मुझे लगता है कि ये सारी फैमिली की प्रॉब्लम होगी। ये खा गया आप, वो खा गया, मेरा वो कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा कहाँ है, चार्जर मेरे बोला ही नहीं चार्जर के लिए। मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रिप में जाए कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अब उस दिन चार्जर कहाँ मिला, गाड़ी में मिल गया ना मुझे। यदि मैं गोविंद के पास रहता क्या बोलता? आपने बुलाया नहीं, बुलाया ही नहीं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताएगी। आज हम जा रहे हैं श्री जी के। श्री जी जा रहे हैं हम, ठीक है। हाँ। श्री जी के तो अभी वो हमारा 1.5 घंटा दूर है, तो अभी पहुँचने में टाइम लगेगा। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया और आधा और करना है। मेरे पापा यहीं खड़ी करके पहले हम लोगों को यहाँ पे उतार कर वहाँ पे गाड़ी ठीक करने जा रहे हैं, क्योंकि उधर थोड़ा कीचड़ है। सदी कहाँ पर है आप? किसी कौन से मंदिर आए ये था ना? नहीं नहीं कौन से मंदिर आए हैं बन ये बता। शायद पता नहीं, गजब बेइज्जती है। और मम्मी भी आ गई और हम लोग गाड़ी पार्क करके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। चलो अब मार्केट है, मार्केट से होकर हमें आगे की तरफ जाना है। ये देखो
ये अपने आप से चिड़चिड़ी हो रही है, कहाँ लग गया इसके, लग गया कीचड़ भाई, एक चींटा क्या लग गया इसके तो भाई छांट पड़ गई है। कोई बात नहीं, वहाँ जाके पहुँचेंगे ना, जहाँ वहाँ साफ कर लेना, आऊंगी तब भी होगा वो तो कीचड़। तो थोड़ी देर रुक गया है, बारिश का मौसम है, थोड़ा उसके वजह से कीचड़ लगे। तो स्लीपर ही गलत पहन गया, पापा कहाँ गए हम? हम आ गए कल्याण जी मंदिर, श्री जी जिसको डिग्गी में बोलते हैं। हाँ, तो अभी उसके मार्केट से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही यही है। और मौसम ऐसा हो रहा है बढ़िया, मतलब ये है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो हम आ गए हैं मंदिर, अब हमने प्रसादी पा ली है, दाल बाटी चूरमा मिर्ची के टिकोले, दो तरीके के चूरमे थे और बस इतना ही, और नींबू भी था ठीक है, नमक भी था, हाँ नमक भी था ठीक है, पानी भी था। अरे हाँ, ये छोटी मोटी चीज तो नहीं है, वो करेंगे जो मेन खाने की चीजें हैं उसको ही जो है नोटिस करेंगे। अच्छा, तो हमने प्रसादी पा ली है और अब हो चुके हैं 6:30 से ऊपर, तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है हमें, और मैंने ये लिया है, मेरा मन हो रहा था बच्चों को देख के तो फिर मैंने ले लिया, तो अब चलते हैं। तो हम बाहर जाकर जो है आए थे, लेकिन अभी रात को क्या है, हमें थोड़ी सी क्रेविंग होने लगी मीठे की, तो ऐसे आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैं स्वाति और पापा बाहर आ गए, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा अभी ओपन। वाफल्स खाएंगे, अभी तो श्योर नहीं है वाफल्स मिलेगा क्या नहीं यहाँ पे, अभी इस तो क्या रात हो रही, तो ऑलमोस्ट अभी मतलब जो भी जगह है बंद है अभी, अभी देखते हैं क्या खुला है हमारे लिए। हाँ क्या मिलता है। हाँ, उसके बाद हमें बेल्जियम वेफल ओपन मिला, और फिर हमने जो मीठे की क्रेविंग थी ना उसे किया शांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर, हरे कृष्णा।